हेलो गाइस, कल आपने पढ़ा था माइनर, और माइनर के मैंने होमवर्क में आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे। तो क्वेश्चन यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो अब देखो, पहला क्वेश्चन है ए बराबर 2 5 -1 4 का 2 बाई 2 की मैट्रिक्स, इसका माइनर ज्ञात करना है। मैंने आपको बताया था कि 2 बाई 2 का माइनर अपन निकालेंगे तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, एंड 2 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया है ए बराबर 2 5 -1 4 का 2 बाई 2 अपन करेंगे, इसका जो माइनर होगा वो कितना होगा। तो आप देख रहे हो 2 का माइनर कितना हो जाएगा। सीधी सी बात है, आप यदि निकालना चाहो तो यहाँ पे ऐसे लिख दो सॉल्व, 2 का माइनर कितना हो जाएगा, 2 का माइनर कितना हो जाएगा। सीधी सी बात है, सामने वाला क्या है, 4। 5 का माइनर -1 -1 का माइनर 5 हो जाएगा, और 4 का माइनर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 4 का माइनर 2 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि माइनर ऑफ ए इज इक्वल टू 4 -1 5 और 2 (2)(2)(2)। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। यानी ये आपका क्या आ गया, माइनर आ गया। कौन सी क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर ए, मैट्रिक्स ए का आपका क्या आ गया, ये माइनर आ गया। माइनर 4 -1 5 और 2। सिर्फ कुछ नहीं करना, आपको इसको इधर चेंज करना है, यानी एक दूसरे को क्या करना है, चेंज करना है। ठीक है, ये तो गया 2 बाई 2 में। आप सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, बी बराबर 6 0 8 -4। तो यहाँ पे देखो, अपन सेकंड क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आप देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर सेकंड अपने पास है 6 0 8 -4। ये एक मैट्रिक्स है, ये अपने को दे रखा है। इस मैट्रिक्स में अपन क्या करेंगे, माइनर निकालेंगे। तो अपन सीधा निकाल सकते हैं, यहाँ पे देखो माइनर ऑफ बी, जो बी का माइनर क्या हो जाएगा, 6 की जगह क्या आ जाएगा, -4। 0 की जगह क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। सामने वाला 8 की जगह 0 आ जाएगा, और -4 की जगह क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इंटू 2 बाई 2 मैट्रिक्स हो जाएगी, और ये किसका आंसर आ गया, माइनर सेकंड का, यानी सेकंड का क्या आ गया अपने पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड का अपने पास क्या आ गया, आंसर आ गया। तो अपन 2 बाई 2 में तो सिंपल वे है। अब अपन 3 बाई 3 के भी 2 क्वेश्चन दिए थे आपको, वो भी अपन करेंगे। आप यहाँ पे देख रहे हो कि 3 बाई 3 के आपको 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, मैट्रिक्स सी और मैट्रिक्स डी, उसका भी अपन माइनर निकालेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो आप बने रहिए हमारे साथ। तो आप यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 2 अपन ने कर लिया, अब 3 क्वेश्चन नंबर है। ठीक है, 3 का जो अपन था, कौन सी मैट्रिक्स थी, सी मैट्रिक्स थी, और अपना क्वेश्चन था 3 -4 1 -3 6 -1 4 -8 2। अपने पास ये मैट्रिक्स थी, और ये मैट्रिक्स कौन सी है, 3 बाई 3 का। मैंने आपको बताया 3 बाई 3 का आप जब माइनर निकालोगे तो प्रत्येक एलिमेंट का माइनर निकालना है आपको, और फिर प्रत्येक एलिमेंट का माइनर निकालने के बाद उसको उसकी जगह पे रख देना है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे प्रत्येक एलिमेंट्स का माइनर निकालेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लो कि मैं प्रत्येक एलिमेंट का माइनर निकालूंगा, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, सॉल्व कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैं क्या करूँगा, यहाँ पे माइनर ऑफ 3, यानी सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 3 का माइनर निकालूँ, किसका माइनर निकालूँगा, 3 का। अब देखो 3 के बाद किसका है, -4 का। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माइनर ऑफ -4। ठीक है, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, अगला किसका निकालूँगा, माइनर ऑफ 1 का। ठीक है, तो ऐसे कर करके मैं 1 2 3 हो गए, 3 -3 6 और 1 का, ऐसे करके मैं 9 का यहाँ पे क्या कर देता हूँ, माइनर लिख देता हूँ, और फिर हम माइनर निकाल देते हैं। तो यहाँ लिखता हूँ माइनर ऑफ -3 माइनर ऑफ 6, यहाँ पे माइनर ऑफ -1, और यहाँ पे आप देख रहे हो अगला मैं लिख सकता हूँ माइनर ऑफ 4, अगला आ जाएगा यहाँ पे माइनर ऑफ -8,
यहाँ पे आ जाएगा माइनर ऑफ टू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया सबके माइनर के, यहाँ पे अपने एक एक करके किसके क्या करेंगे माइनर निकालेंगे, क्या करेंगे माइनर निकालेंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यदि मैं थ्री का माइनर निकालूंगा तो इसके लाइन बनने वाले ये कॉलम में और जीरो कट जाएंगे, तो क्या बचेंगे सिक्स माइनस वन माइनस एट और टू। तो मैं लिख दूँ सिक्स माइनस वन माइनस एट टू, ठीक है। अब छः दो कितने हो जाएंगे बारह, माइनस 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 क्या हो जाएंगे प्लस, प्लस के आठ, तो फाइनल आंसर क्या आ गया यहाँ पे फोर, क्या आ गया फोर। अब देखो सेकंड करूँगा माइनस फोर का करूँगा, यदि माइनस फोर का करूँगा तो ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस थ्री माइनस वन माइनस थ्री माइनस वन फोर एंड टू, फोर एंड टू। अब देखो ये बच रहा है तो इसमें हो जाएगा तीन दो छः और किसके छः माइनस के छः, और ये माइनस का अस्सी ना बीस वाला, और ये माइनस के एक और माइनस के चार कितने हो जाएंगे माइनस के चार, और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, यानी ये प्लस के चार हो जाएंगे। तो फाइनल आंसर आ जाएगा माइनस के टू, यानी आप जो आंसर आएगा फाइनल माइनस के टू आएंगे। अब हम बात करते हैं थर्ड की यानी माइनर एक की, तो ए का माइनर निकालते तो ये क्रॉस ये भी क्रॉस, तो क्या बच जाएगा माइनस थ्री सिक्स फोर माइनस एट, ठीक है थ्री सिक्स फोर एट। अब देखो यहाँ हो जाएंगे आठ थ्री चौबीस माइनस माइनस प्लस, प्लस के चौबीस माइनस छः चौक चौबीस, यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा जीरो, क्या आ जाएगा जीरो। अब हम बात करते हैं माइनस तीन की, आप यहाँ अगला देख रहे हो माइनस तीन, तो ये क्रॉस और ये भी क्रॉस, तो क्या हो जाएगा माइनस फोर वन माइनस एट टू, बच गया तो कितने हो जाएंगे चार दो आठ माइनस के आठ माइनस का छः आठ और आठ माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी प्लस के आठ, तो आठ प्लस और आठ माइनस क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो कैंसिल हो जाएगा जीरो। आप अगला देख रहे हैं आप सिक्स का माइनर, किसका माइनर है सिक्स का माइनर देख रहे हैं यहाँ पर, सिक्स का माइनर निकालेंगे तो आप इस क्वेश्चन में देख रहे हो ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, तो थ्री वन फोर टू, तो क्या आ जाएगा थ्री वन फोर टू, क्या आ जाएगा थ्री वन फोर टू, तो थ्री टू सिक्स फोर का फोर, तो आंसर क्या आ जाएगा टू। तो वैसे वैसे अगला आप देखो वन का, यदि मैं माइनस वन का निकाल रहा हूँ तो माइनस वन का निकाल रहा हूँ तो देखो ये क्रॉस और ये भी क्रॉस, तो क्या हो जाएगा थ्री माइनस फोर फोर माइनस एट, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ थ्री माइनस फोर फोर माइनस एट, ठीक है। आप यहाँ पर मैंने लिख दिया, अब आप देख रहे हो यहाँ पे इसका मैं मल्टीप्लाई करूँगा कितने हो जाएंगे माइनस के चौबीस माइनस छः चार सौ सोलह, और ये माइनस के तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी प्लस के सोलह, आंसर आ जाएगा माइनस के आठ, कितने आ जाएगा माइनस का आठ। अगला देखो यहाँ पे दे रखा है फोर का निकालना, तो आप फोर का देखोगे, अब जो फोर का देखोगे तो फोर का इस फोर का निकाल रहे हैं तो ये क्रॉस तो माइनस के फोर वन सिक्स और माइनस का वन, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का फोर वन और सिक्स एंड माइनस का वन, ठीक है अपने पास ये आ गया। तो अपन अब क्या करेंगे, अब देखो अपन ऐसे करेंगे कि इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो कितने हो जाएंगे माइनस माइनस प्लस, प्लस के फोर और माइनस सिक्स का सिक्स, तो यहाँ आंसर आ जाएगा माइनस के टू, किसके आंसर आ गया माइनस का टू। अब अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखो माइनस एट का निकालूंगा, तो माइनस एट में आप देखो जब आप माइनस एट का निकालोगे तो ये लाइन क्रॉस और ये लाइन भी क्रॉस, तो क्या बचेगा थ्री वन माइनस थ्री माइनस वन, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना थ्री वन माइनस थ्री माइनस वन, तो ये क्या हो जाएगा इसका माइनस थ्री और माइनस छः बीस का माइनस का माइनस माइनस तीन माइनस प्लस प्लस हो जाएंगे, तो तीन प्लस और तीन माइनस कट जाएंगे, क्या आंसर आ जाएगा जीरो, यहाँ पे क्या आ गया जीरो। अब अगला रहा टू का, अपन टू का निकाल रहे हैं, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि टू का अपन निकालेंगे तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि ये टू अपन निकाल रहे हैं यहाँ पे टू का, तो ये क्रॉस और ये लाइन भी क्रॉस, तो क्या बचा थ्री माइनस फोर फोर माइनस एट, तो मैं यहाँ पर लिख दूँ क्या लिख देता हूँ मैं थ्री
माइनस फोर, फोर माइनस एट, तो ये अभी क्या हो जाएंगे, आठ तीरी चौबीस, माइनस के चौबीस हो जाएंगे यहाँ पे, और चार सौ सोलह, तो माइनस बीस में ही चार सोलह किसके आ जाएंगे, माइनस के, माइनस माइनस के हो जाएगा प्लस, यानी प्लस के सोलह, तो आंसर आ जाएगा माइनस के एट। तो अभी आप क्या करेंगे, अपन यहाँ पे लिखेंगे माइनर ऑफ सी, माइनर ऑफ सी, यानी जो सी मैट्रिक्स उसको अपन माइनर निकाल रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे जो मैट्रिक्स में पहला आ रहा है वो अपन, जैसे मान लो थ्री है, यहाँ पे थ्री की जगह क्या आ रहा है फोर, तो अपन क्या करेंगे थ्री की जगह किसको लिख देंगे, फोर को लिख देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा फोर माइनस टू जीरो, जीरो टू माइनस एट, माइनस टू जीरो माइनस एट, थ्री इंटू थ्री, और ये इसका क्या आ जाएगा फाइनल आंसर आ जाएगा, यानी माइनर ऑफ सी मैट्रिक्स, सी मैट्रिक्स का माइनर ये यहाँ पे आ गया, यानी माइनर ऑफ सी मैट्रिक्स यहाँ पे अपना फाइनल आंसर यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन है वो अपन कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है वो अपना होमवर्क का, तो वो है डी मैट्रिक्स, और डी बराबर अपन को दे रखा है यहाँ पे वन माइनस थ्री माइनस एट, और फोर टू माइनस सेवन जीरो फोर थ्री, और ये मैट्रिक्स है थ्री बाई थ्री की, और इस मैट्रिक्स अपन को क्या करना है, इस मैट्रिक्स अपन को माइनर निकालना है, क्या करना है माइनर निकालना है, तो आप सीधी सी बात है यहाँ पे अपन क्या करेंगे माइनर निकालेंगे, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा सीधा लिख दूँगा माइनर ऑफ डी मैट्रिक्स, यानी यहाँ पे मैं सीधा माइनर निकाल रहा हूँ, एक क्या करते हैं यहाँ पे माइनर निकालते हैं, यानी माइनर ऑफ वन, यानी आप क्या करेंगे वन का माइनर निकालेंगे यहाँ पे। ठीक है, और वन के बाद किसका निकालेंगे थ्री का निकालेंगे, फिर किसका निकालेंगे एट का निकालेंगे, वन थ्री एट का निकल जाएगा, उसके बाद अपन निकालेंगे वन थ्री एट, उसके बाद में क्या है अगला फोर, अपन फोर का निकालेंगे, फोर के बाद में टू, टू के बाद में माइनस सेवन, और माइनस सेवन के बाद में जीरो का निकालेंगे, जीरो के बाद में फोर का निकालेंगे, और फोर के बाद में अपन थ्री का निकालेंगे, किसका निकालेंगे थ्री का निकालेंगे, यानी आप यहाँ पे क्या करेंगे एक एक करके सबका माइनर निकालेंगे, और जब सबका माइनर निकल जाएगा तो अपन माइनर में पुट कर देंगे, तो अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि मैं वन का माइनर निकालूंगा, तो ये क्रॉस और ये भी क्रॉस, तो ये बचेंगे तीन दो छः, और ये सात सौ अट्ठाईस माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो ये कह दिया प्लस, तो अट्ठाईस और कितने हो जाते हैं थर्टी फोर, तो मैं एक ही जगह मैं थर्टी फोर लिख सकता हूँ, तो यहाँ मैं लिख दिया थर्टी फोर। अब देखो मैं माइनस तीन का निकालूंगा, तो ये कट और ये भी कट, तो फोर जीरो फोर थ्री कितने बारह, और ये इसका जीरो सात से मिले जीरो हो जाएंगे, तो फाइनल आंसर कितना आएगा बारह माइनस जीरो कितने आ जाएंगे बारह, तो मैं यहाँ माइनस तीन की जगह बारह लिख सकता हूँ, मैंने बारह लिख दिए। अब थर्ड नंबर आप देखो एट का निकालूंगा, जब एट का निकालेंगे तो ये क्रॉस ये भी क्रॉस, तो ये और ये बचेंगे, तो फोर का फोर से मल्टीप्लाई कितने सोलह, दो का जीरो से जीरो, तो कितने बच जाएंगे सोलह में जीरो के जीरो सोलह ही बचेंगे। ठीक है, अब अगला देखो आप निकालेंगे फोर का, जब मैं फोर का निकाल रहा हूँ तो फोर का निकालेंगे तो ये क्रॉस और ये भी क्रॉस, तो माइनस तीन माइनस एट फोर और थ्री, तीन का तीन से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितने हो जाएंगे माइनस के नौ, और ये माइनस आठ और माइनस प्लस के चार बत्तीस, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो प्लस के बत्तीस यहाँ पे आ जाएंगे, और प्लस के बत्तीस में से मैं नौ घटाऊँगा तो कितने बच जाएंगे, तो ये बच जाएंगे इक्कीस तेईस, कितने बच जाएंगे तेईस। अब मैं यदि दो का निकालूंगा तो ये क्रॉस और ये भी क्रॉस, तो ये तो तीन वन का तीन से मिले तो तीन आएंगे, तो मैं तीन लिख देता हूँ, और आठ का माइनस का जीरो से करेंगे तो जीरो आंसर आ जाएगा, तो फाइनल आंसर बचेगा तीन, क्या बचेगा यहाँ पे तीन। यदि अब मैं सेवन का निकाल रहा हूँ माइनस सेवन का, तो देखो ये कट गया ये कट गया, तो वन का फोर से फोर माइनस थ्री का जीरो से जीरो, यानी फोर माइनस जीरो, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा फोर माइनस जीरो बराबर फोर आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा फोर माइनस जीरो क्या आ जाएगा फोर आ जाएगा। अभी यदि मैं जीरो को निकाल रहा हूँ इस जीरो का, यदि आप जीरो का निकालोगे तो ये क्रॉस और ये भी क्रॉस, तो क्या बच जाएगा ये और ये, तो ये बच जाएंगे सात तीन इक्कीस माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस के इक्कीस, तो यहाँ पे हो जाएंगे कितने प्लस के इक्कीस, माइनस तीन आ गया बीस में, और आप ये देखो
कि आपने जीरो का निकाला तो इसका 21 हो गया और ये हो जाएंगे 8 दो 16, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, यानी प्लस के 16 और 21 अपने इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 37। कितने हो जाएंगे? 37। इसके बाद अपन अगला देख रहे हैं किसका, 4 का। अभी 4 का निकाल रहे हैं तो ये क्रॉस और ये भी क्रॉस, ये कितना हो जाएंगे? माइनस के 7 और ये कितने हो जाएंगे? 832। माइनस माइनस प्लस, यानी माइनस के 7 प्लस के 32, तो पीछे बच जाएंगे अपने यहाँ पे 25। कितने बच जाएंगे? 25। अगला देखो यहाँ पे 3 का निकालेंगे, अपन 3 का निकाल रहे हैं यहाँ पे लास्ट वाला डिजिट है, तो ये क्रॉस और ये भी क्रॉस, तो क्या बच गया? 1, 2, 3 का 4 से, यानी 2 माइनस 12, माइनस माइनस प्लस, तो 2 प्लस 12, तो कितने हो जाएंगे? ये 14 हो जाएंगे। ठीक है, अपन यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखो सबको मान यहाँ पे लिख देते हैं, मैंने लिख दिया 34, लिख दिया 12, लिख दिया, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 16, अगला 23, 3, 4, 37, 25 एंड 14, और इनटू 3x3 का ये मैट्रिक्स हो जाएगा। तो ये अपना फाइनल जो आंसर है माइनर ऑफ मैट्रिक्स डी का, वो अपने पास यहाँ पे ये आ रहा है।